नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 10 नवंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज भगवान भास्कर को दी जाएगी पहली अर्घ। बाढ़ के कारण गन्ना फसल को हुए नुकसान पर बिहार सरकार की क्षतिपूर्ति राशि करेगी जारी। बिहार में फिर शुरू होंगे मेला और महोत्सव। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 में कप्तानी की कमान सौंपी गई रोहित शर्मा को। भोजपुरी भाषियों से सीखी अपनी बोली को कैसे दी जाती है इज्जत। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज भगवान भास्कर को दी जाएगी पहली अर्घ। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के दौरान आसमान साफ रहने वाला है और मौसम शुष्क बना रहेगा। आज अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और 11 नवंबर को उदयगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार राज्य में 10 नवंबर को सूर्यास्त आज शाम 4:51 से 5:10 के बीच होगा, जबकि 11 नवंबर की सुबह सूर्योदय 5:54 से 6:09 पूर्वाह्न के बीच होगा। बीते दिन खरना पूजा के बाद आज भगवान भास्कर को पहला अर्घ दिया जाएगा। छठ के लिए NDRF और मेडिकल टीम हुई मुस्तैद। आज छठ महापर्व के तहत पहला अर्घ दिया जाना है। इसको लेकर पटना में छठ घाटों पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। इसको लेकर मेडिकल टीम और NDRF जवान को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा गया है। पटना के गांधी घाट पर NDRF का कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहाँ भी सभी घाटों की स्थिति को NDRF की कंट्रोल रूम देखने वाली है। इसको लेकर बीते दिन ही पटना जिला प्रशासन ने सभी तैयारियों को आखिरी और मूर्त रूप दे दिया था। इसी कड़ी में पटना के गंगा घाट पर मुस्तैदी के साथ मेडिकल टीम के साथ साथ NDRF के जवान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैनात हो गए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि NDRF की कुल 7 टीम किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पटना सिटी इलाके में लगाई गई है, जिन्हें पीपा पुल से भद्रघाट तक डिप्लॉय किया गया है। पटना से गंगा घाट पर कुल 70 बोटों का डिप्लॉयमेंट भी किया गया है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे चक्रवर्ती सम्राट अशोक की। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध और शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवनान प्रिय अशोक था। उनका राजकाल ईसा पूर्व 269 से 232 प्राचीन भारत में था। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज्य किया है तथा उनका मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश तक्षशिला के श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी सुवर्णगिरी पहाड़ी के दक्षिण और मैसूर तक और पूर्व में बांग्लादेश के अलावा पाटलिपुत्र से पश्चिम में अफगानिस्तान ईरान बलूचिस्तान तक पहुंच गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल बांग्लादेश भूटान म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। संविदा पर कार्यरत महिला कर्मियों को मिलेगा महीने में 2 दिनों का विशेष अवकाश। राज्य सरकार ने सभी महिला कर्मियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए संविदा पर काम करने वाली महिलाओं को 2 दिन का विशेष अवकाश देने का फैसला लिया है। अभी तक यह सुविधा केवल नियमित महिला कर्मियों को ही मिल रही थी। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार बिहार सरकार का यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसके अनुसार महीने में 2 दिनों के इस विशेष अवकाश को एक बार ही कोई महिला कर्मी ले सकती है। यह अवकाश 1 साल के दौरान महिला कर्मियों को मिलने वाले आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त मिलेगा। इसे देने का अधिकार नियंत्रित पदाधिकारी को होगा। इसका उपयोग करने के लिए महिला कर्मियों को पहले आवेदन करना होगा। सरकार से इस अवकाश की मांग महिला संविदा कर्मी काफी दिनों से करती आ रही थी। बाढ़ के कारण गन्ना फसल को हुए नुकसान पर बिहार सरकार की क्षतिपूर्ति राशि करेगी जारी। बाढ़ के कारण नुकसान उठाने वाले गन्ना फसल के किसानों को बिहार सरकार क्षतिपूर्ति राशि देने वाली है। इसको लेकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गन्ना उद्योग विभाग में बाढ़ से नुकसान उठाने वाले किसानों को बतौर क्षतिपूर्ति 18,000 प्रति हेक्टेयर देने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर किसानों के पंजीयन की कवायद शुरू कर दी गई है। खुद किसानों को अपने क्षतिग्रस्त रकबे का फोटो और अपना बैंक अकाउंट भी अपने पंजीयन के साथ पोर्टल पर अपलोड करना है। इसको लेकर गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया है कि सरकार गन्ना किसानों के साथ खड़ी है। गन्ना उद्योग मंत्री ने यह भी कहा है कि राज्य में 48,781.40 हेक्टेयर में खड़ी गन्ना की खेती बर्बाद हुई है। किसानों को 8,780.65 लाख रुपए बतौर क्षतिपूर्ति दी जानी है। विभाग ने पंजीयन और मुआवजा वितरण में पारदर्शिता के लिए एक विशेष पोर्टल तैयार किया है। कोविड-19 के मिले 5 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 4 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 33 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 3 और सहरसा में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा किसी भी जिले में 1 भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 2,25,019 सैंपल की जांच की गई। वहीं 5 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं।
बिहार के पावापुरी में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। पावापुरी, जिसे पावा भी कहा जाता है, भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले में राजगीर और बोधगया के समीप स्थित एक स्थान है। यह जैन धर्म के मतवालंबियों के लिए एक अत्यंत पवित्र शहर है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान महावीर को यही मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यहाँ के जल मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। संपूर्ण शहर कैमूर की पहाड़ी पर बसा हुआ है। जीवन के अंतिम समय में तथागत ने पावापुरी में ठहर कर चुंड का सकूर माधव नाम का भोजन स्वीकार किया था, जिसके कारण अतिसार हो जाने से उनकी जान कुशीनगर पहुंचने पर हो गई थी, और जिसके बाद इसीलिए पर्यटन के लिहाज से ये स्थल काफी महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। कोविड-19 ने बिहार के 348 निजी स्कूल को किया चौपट। कोविड-19 के कारण बिहार के अधिकांश स्कूल प्रभावित हुए थे, जिसके कारण पिछले 2 साल में आम जनजीवन के साथ साथ शिक्षकों का भविष्य भी तहस नहस हो गया है। वहीं हाल ही में जारी किए गए ताजा जानकारी के अनुसार कोविड-19 के कारण बिहार के 348 निजी स्कूल के बंद होने की जानकारी मिल रही है। ये जानकारी नेशनल अचीवमेंट सर्वे में मिली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सर्वे के लिए रैंडमली स्कूलों का चयन किया जा रहा था। वहीं CBSE बंद स्कूल को लेकर निर्देश जारी कर चुकी है, जिसके तहत जो स्कूल बंद हो चुके हैं उनके बदले अन्य स्कूल का चयन किया जाएगा। इसके अलावा सैनिक स्कूल की जानकारी भी बोर्ड के 10 नवंबर तक भेजी जानी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे का आयोजन हर 2 साल में किया जाता है। राज्य सरकार के साथ मिलकर इस बार CBSE द्वारा यह सर्वे करवाया जा रहा है। 16 नवंबर को BPSC का इंटरव्यू में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के कॉल लेटर हुए जारी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 16 नवंबर 2021 को आयोजित होने वाले साक्षात्कार में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के कॉल लेटर को जारी कर दिया है। BPSC की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार यह साक्षात्कार मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के तहत आयोजित किया जाएगा। BPSC ने साक्षात्कार में भाग लेने वाले कुल 41 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लेटर जारी कर दिए हैं। आयोग ने कहा है कि साक्षात्कार के वक्त ही परफॉर्मा जमा किया जाएगा। UPSC की वेबसाइट bpsc.bih.nic पर जारी किए गए इंटरव्यू लेटर लिंक से अपनी प्रवेश पत्र पाने के लिए अभ्यर्थियों को 6 अंकों का रोल नंबर और उसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करना होगा, जिसके बाद वो अपने आवेदन भर सकते हैं। बिहार में फिर शुरू होंगे मेला और महोत्सव। बिहार में मेला महोत्सव को फिर से शुरू करने की तैयारी है, हालांकि ये शुरुआत छठ महापर्व के बाद होगी। कोविड-19 संक्रमण के कारण लंबे समय से सांस्कृतिक महोत्सव और अन्य आयोजन पर रोक लगी है। कोविड-19 संक्रमण कम होने के बाद अब कला संस्कृति विभाग में आयोजनों को फिर से शुरू करने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी गई है। इसकी शुरुआत छठ के तुरंत बाद बाल फिल्म महोत्सव से होगी। राजधानी के बिहार संग्रहालय के सभागार में 13 और 14 नवंबर को फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद करेंगे, जबकि अध्यक्षता विभागीय मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कला संस्कृति और युवा विभाग के द्वारा पिछले दिनों सांस्कृतिक आयोजन को लेकर समीक्षा बैठक की गई थी। भोजपुरी भाषा से सीखे अपनी बोली को कैसे दी जाती है इज्जत। मालिनी अवस्थी एक ऐसा नाम है जिन्होंने हिंदी के विभिन्न आंचलिक भाषा, जिसमें अवधी, भोजपुरी और बुंदेली आदि में लोकगीतों को नई पहचान देने का काम किया है। वो ठुमरी और कजरी में भी प्रस्तुतियां देती रही हैं। मालिनी अवस्थी ने भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, मॉरिशस, इंग्लैंड को भी कई गीत दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई फिल्मों में भी गीत गाए हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में उन्हें चुनाव आयोग ने ग्रैंड मास्टर बनाया था। उन्हें पद्मश्री सहित कई पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं छठ पर्व के मौके पर ETV भारत से खास बातचीत के दौरान उन्होंने भोजपुरी भाषियों को लेकर अपनी बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि भोजपुरी भाषियों से सीखने की जरूरत है कि कैसे अपनी बोली को सिर माथे पर रखना चाहिए। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में छठ पर छुट्टी का हुआ ऐलान। बिहारी जहां भी है उनके लिए छठ की मान्यता कुछ खास ही होती है, जिसको कि अब राज्य सरकार भी समझ रही है। एक कारण ये भी है कि बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत कई राज्यों में छठ महापर्व को लेकर छुट्टी घोषित की गई है, जिसके तहत इस महापर्व के मौके पर कई राज्यों की सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड और उत्तराखंड का नाम शामिल है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पहले छठ पूजा उत्तर भारत में ही सीमित थी, लेकिन अब पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है। यही वजह है कि अलग अलग राज्य सरकार ने इस अवसर पर छुट्टी की घोषणा करने का प्रावधान किया है। इसके तहत इन सभी राज्यों में 10 नवंबर को छठ महापर्व पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। बिहार में शॉपिंग मॉल खोल सकती है जापान की कंपनी। बिहार में आने वाले समय में कई रोजगार के अवसर खुलने वाले हैं, क्योंकि टॉप कंपनियों ने बिहार में निवेश की रुचि दिखाई है, जिनमें जापान की टॉप कंपनियां भी शामिल है। खासकर स्मार्ट सिटी, बुद्धिस्ट पार्क और शॉपिंग मॉल खोलने की इच्छा जापानी कंपनियों ने जताई है। इसी को लेकर मुख्य सचिवालय स्थित कार्यालय कक्ष में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार फाउंडेशन के जापान चैप्टर का प्रतिनिधिमंडल मिला था।
जापानी कंपनियों के इस प्रस्ताव से बिहार की सरकार सोच विचार कर रही है और सरकार की कोशिश है कि उनके प्रस्ताव को जल्द ही अमल में लाया जा सके। प्रतिनिधिमंडल ने बताया है कि जापान की कंपनी दिसंबर में बिहार यात्रा पर आना चाहती है। ये सभी कंपनियां बिहार में काम करने के लिए इच्छुक है। फिलहाल बोधगया में निको इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट जैविक खेती के क्षेत्र में 2018 से काम कर रही है, जो कि जापानीज मेलन की खेती के साथ साथ वृहद लोगों की सेवा की दिशा में कार्यरत है। औसत बिजली हानि के मामले में बिहार टॉप 5 राज्य में शुमार। प्रीपेड मीटर लगने से बिहार में बिजली की औसत तकनीक और व्यवसायी कमी के आधे से अधिक कमी होने का अनुमान है, जिससे कि फिलहाल सूबे को मिल रही कुल बिजली के लगभग 31% हिस्से की औसत हानि हो रही है। यानी कि 100 रुपए की बिजली की खरीद पर बिजली कंपनियों को अंतिम रूप से 69 रुपए का राजस्व ही मिल पा रहा है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की मदद से इसको घटा करके 15% तक लाने और राजस्व को 85% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे राज्य सरकार की तरफ से इस मद में दी जाने वाली अनुदान में भी कमी आएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, औसत बिजली हानि के मामले में बिहार देश के 5 राज्य में शुमार है, जिसके तहत ही बिजली विभाग ने इस टास्क को 4 साल के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा है। 5 चरणों के दौरान सूबे में 1.48 करोड़ मीटर लगाए गए। सोनपुर मेले के आयोजन पर संशय बरकरार। कोविड-19 ने जब से हमारी जिंदगी में दस्तक दी है, तब से हमारी जिंदगी से जुड़ी कई चीजें अस्त व्यस्त हो गई हैं, जिसके तहत आम जनजीवन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम पर भी काफी प्रभाव देखने को मिला है। ऐसा ही कुछ प्रसिद्ध सोनपुर मेले के साथ भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि भले ही बिहार में कोविड-19 के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही हो, लेकिन प्रसिद्ध सोनपुर मेले का आयोजन इस साल होगा या नहीं, इसको लेकर संशय बरकरार है। कोविड-19 के कारण बीते साल मेले का आयोजन नहीं हो सका था, वहीं इस साल लगातार दूसरी बार एशिया फेम हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले के लगने पर संशय बरकरार है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले मेले में अब मुश्किल से 10 दिन बचे हुए हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर ना कोई तैयारी हो सकी है और ना ही सरकारी स्तर पर इस मेले के आयोजन की घोषणा हुई है। मुख्यमंत्री आवास में खरना का प्रसाद खाने पहुंचे एनडीए के नेता। सीएम नीतीश कुमार के एक अणे मार्ग स्थित आवास में छठ पूजा का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री आवास में बीते दिन खरना की पूजा हुई और खरना का प्रसाद खाने के लिए एनडीए के नेताओं समेत कई अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे। सीएम नीतीश के परिवार में इस बार कुल 4 लोग छठ व्रत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की सर्वोच्च भगनी, उनकी भतीजी और एक भगना की पत्नी भी छठ व्रत कर रही है। वहीं इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी भी पहुंचे। सुशील कुमार मोदी के अलावा विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव, भाजपा नेता नंदकिशोर यादव, मंत्री मंगल पांडे, सम्राट चौधरी के साथ महेश्वर हजारी, कृष्ण वर्मा भी सीएम आवास पहुंचे थे। लगातार 61 घंटे गजल गाकर प्रतीक ने बनाया रिकॉर्ड। अक्सर आम आदमी जब 1 से 2 घंटे के अंदर गाना गा ले तो उसका गला बैठने लगता है, थकान महसूस होने लगती है, लेकिन बिहार के खगड़िया जिले के 28 साल के प्रतीक ने लगातार 61 घंटे गजल गाकर नया रिकॉर्ड बना लिया है, जिसके तहत बिना रुके 427 गजल गाने के बाद प्रतीक का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। प्रतीक की सफलता के बाद उनके परिजनों के साथ गाँव वासियों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रतीक परबत्ता प्रखंड के माधवपुर गाँव निवासी किसान कैलाशपति सिंह के बेटे हैं। उन्हें बचपन से ही संगीत में रुचि थी। उनकी माने तो उन्हें यह याद नहीं है कि वो कब से गा रहे हैं। उन्होंने प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत में स्नातक किया है। बांका जिले के मालडीह स्थित संगीत महाविद्यालय से संगीत सीखने की पहले से ही गजल गायन करते रहे हैं। वो गजल के अलावा भजन और सुगम संगीत भी गाते हैं। बीटेक और एमबीए पास युवाओं के लिए निकली बंपर भर्तियां। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। अगर आपके पास बीटेक या एमबीए की डिग्री है और आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए यह खबर कुछ खास है, क्योंकि आईटीआई लिमिटेड ने विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके तहत चीफ मैनेजर डिवाइस मैनेजर, मैनेजर चीफ मैनेजर, चीफ फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर के पदों की भर्ती निकाली गई है। कुल 41 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ऐसे में जो उम्मीदवार इस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो itiltd.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे, आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 नवंबर 2021 है। आखिरी तारीख बीतने के बाद फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा। राज्य सुप्रीमो ने इन्हें दिया खास संदेश। बिहार में बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपना 32वां जन्मदिन मनाया, जिसको लेकर सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता देखने को मिला। जगह जगह केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर तेजस्वी यादव को उनके पिता ने एक खास संदेश में बधाई दी है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि प्रिय तरुण, आप बिहार के जन जन की खूब सेवा करें। एक नए विजन और जनोपयोगी मनोयोग्य के साथ राज्य को खूब आगे तक ले जाए। जन्मदिन पर यही आशीष देते हैं। संघर्ष ऊर्जा और निडर मन के साथ शांत मस्तिष्क, संवेदनशील हृदय और मृदुवाणी बनाए रखे और को वांछित नेतृत्व प्रदान करें। इसके साथ ही लालू प्रसाद ने अपने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की है। इसमें वो और राबड़ी देवी अपने बेटे को पौधा भेंट करते दिखाई दे रहे हैं। रामविलास पासवान को मरणोपरांत मिला भूषण सम्मान। बेटे चिराग पासवान ने
किया ग्रहण। लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस साल देश के 119 हस्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं रामविलास पासवान के बदले यह सम्मान उनके बेटे चिराग पासवान ने ग्रहण किया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोविड-19 के बाद इस साल 2021 में पद्म पुरस्कार दिए गए थे। राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों यह पुरस्कार दिया गया, जहां सभी सम्मानित किए गए। बता दें कि पिछले साल 2020 में कोविड-19 के कारण इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो पाया था। वहीं बीते दिन दिए गए पुरस्कार में रामविलास पासवान को पद्म भूषण के अलावा स्वर्गीय मृदुला सिन्हा समेत 4 लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। बिहार से चिकित्सा डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह, मधुबनी पेंटिंग के कलाकार दुलारी देवी और कलाकार रामचंद्र मांझी इस सूची में शामिल थे। पप्पू यादव ने अनोखे अंदाज में तेजस्वी यादव को दी जन्मदिन की बधाई। बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 32 साल के हो गए हैं। इस दौरान राजद कार्यकर्ता की तरफ से उन्हें जन्मदिन की बधाई तो दी ही गई, साथ ही उनकी तरफ से केक कटवा कर जन्मदिन की खुशियां भी मनाई गई। इसके अलावा जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने अपने खास अंदाज में उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। साथ ही बातों ही बातों में तेजस्वी यादव पर तंज भी कसा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि उन्हें जन्मदिन की बधाई हो। भाग्य से जीने वाले लोग कभी भी विजेता नहीं बन सकते, कर्मयोगी ही विजेता बनते हैं। ये दुनिया का इतिहास है, बड़े बाप का बेटा होना कोई मायने नहीं रखता। हमेशा खुश रहे और दूसरे को भी रहने दे। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव को दो टूक नसीहत देते हुए कहा है कि जो अहंकार, क्रोध और नफरत है उसे खत्म करें। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। पुलिस ने 1994 में श्रीयंत्र टापू में पहुंचकर अपना कहर बरपाया था। गंगा मेकांग संपर्क परियोजना का कार्य 2000 में प्रारंभ हुआ था। भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। एक ब्रिटिश अपीलीय कोर्ट ने 2007 में ब्रिटिश सरकार को भारतीय डॉक्टरों के साथ यूरोपीय संघ के डॉक्टरों का सम्मान बर्ताव करने का आदेश दिया। भारत कतर संबंधों को रणनीतिक गहराई देते हुए दोनों देश ने 2008 में रक्षा और सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारत ने 2008 में ऑस्ट्रेलिया को हराकर 2-0 से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीती। इसके साथ ही नासा ने मंगल ग्रह के लिए अपने फिनिक्स मिशन के समापन की घोषणा 2008 में आज के दिन की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक और पार्टी के सम्मानित नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जन्म 1848 में आज के दिन हुआ था। भोपाल के प्रसिद्ध शायर फजल ताबिश का निधन 1995 में आज के दिन हुआ था। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 में कप्तानी की कमान सौंपी गई रोहित शर्मा को। वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद भारतीय टीम का अगला मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 में होने वाला है। हालांकि इस बार विराट कोहली की जिम्मेदारी थोड़ी कम हो गई है और उन्हें आराम दिया गया है। उनकी जगह रोहित शर्मा को टीम की कमान सौंपी गई है। इसको लेकर रोहित शर्मा को मंगलवार को औपचारिक रूप से विराट कोहली की जगह न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टी20 टीम का नया कप्तान चुना गया है। भारतीय टी20 टीम की कप्तानी छोड़ने वाले कोहली को 17 नवंबर से जयपुर में शुरू होने वाली श्रृंखला के लिए आराम दिया गया है। इतना ही नहीं, भारत की 16 सदस्यीय टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग 2021 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ऋतुराज गायकवाड़ और सबसे अधिक विकेट चटकाने वाले हर्षल पटेल को भी शामिल किया है। इसके साथ ही चोटों से परेशान रहने वाले हार्दिक पांड्या के संभावित विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को भी टीम में जगह मिली है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 9 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,200 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,520 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 64,800 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल 91.09 रुपए प्रति लीटर था। जीतन राम मांझी के बहू ने लालू की बेटी को कहा लबरी। हाल ही में लालू प्रसाद यादव ने बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास को भक्चोनर कहा था, जिसके बाद से ही बिहार की सियासत काफी ज्यादा गर्म आ गई थी। वहीं अब लालू प्रसाद यादव की बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने लबरी यानी कि बेकार बकपक करने वाली कहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ने लालू प्रसाद यादव को कहा था कि उनके दामन पर दाग लगाकर सत्ता की कुर्सी पाने वाले दर्जनों घोटाले को अंजाम देकर बिहार को फिसड्डी राज्य बनाए हुए हैं। इसी को लेकर मांझी की बहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गौतम कुमार, कुमार राहुल, बबीता यादव, मनीष मोहरा, मनोज कुमार माही, आनंद शंकर मुखिया, सुभाष कुमार सिंह, विजय घायल, अजय कुमार, रविन्द्र पासवान, जगलाल कुमार, सोनू कुमार, जोगिंदर पासवान, ब्रह्म कुमारी, ईश्वरी सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की, और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आज छठ के मौके पर आप घर पर छठ मना रहे हैं या फिर घाट पर जाकर अर्घ दे रहे हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।